हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में तो आज हम आए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ और आज जो रेसिपी आ, हम बनाने जा रहे हैं वो है वेज चाउमीन समोसा तो ये जो है वो नॉर्मल जैसे समोसा बनता है वैसा ही बनेगा उसकी टेक्निक वैसी ही है लेकिन जो डिफरेंस ये है कि इसकी जो स्टफिंग है वो आ, वेज चाउमीन हम बनाएंगे आ, वो होगी इसकी जो समोसे की पट्टी के अंदर जो स्टफिंग करेंगे वो वेज चाउमीन हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्टी डिलीशियस रेसिपी है ये और हम बनाएंगे देखेंगे कैसे ये बनेगा तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो वेज चाउमीन समोसा बनाने के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे सबसे पहले जो समोसे की पट्टी है उसको उसका जो डो है वो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा अजवाइन और काला ज़ीरा फिर चाउमीन बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे नूडल्स हमने राइस नूडल्स लिए हैं लगभग दो रोल्स इसके अलावा हमें सब्ज़ियाँ चाहिए होंगी सबसे पहले पत्ता गोभी गाजर कैप्सिकम जिंजर और चॉप्ड ग्रीन चिलीज़, पनीर के क्यूब्स टमेटो सॉस चिली सॉस और बीट रूट और इसके अलावा हमें सूखे मसाले चाहिए होंगे हल्दी लाल मिर्च पाउडर नमक धनिया और ज़ीरा और इस थोड़ा सा तेल इसे कुक करने के लिए तो यही सब इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और इसी से ही हम ये जो वेज चाउमीन समोसा है वो हम बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो समोसे का जो डो है वो हम तैयार करेंगे इसके लिए हम मैदे में थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर हम इसमें अजवाइन और काला ज़ीरा जो है वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और सभी चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे फिर हम इसमें तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से इस मैदे में हम इसे इनकॉर्पोरेट करेंगे इसे अच्छी तरह से इसे आ, मिक्स कर लेंगे इससे क्या होगा कि हमारा जो समोसा है वो बहुत ही खस्ता बनेगा और इस प्रोसेस को इस स्टेप को मोइन कहा जाता है तो अच्छी तरह से हमें इस तेल को इस मैदे में खपाना है ताकि ये जो समोसा है वो बहुत ही खस्ता बने तो लगभग तीन से चार मिनट तक हमें तेल को इस मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करना है ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगभग तीन से चार या पाँच मिनट इस स्टेप को करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मैदा है वो एकदम दानेदार टेक्सचर उसका हो गया है और जब आप इसे हाथ से इसे प्रेस करेंगे तो ये एक साथ आ जाएगा यही इसका इंडिकेशन है कि ये जो प्रोसेस है मोइम का वो अच्छी तरह से हो रहा है अब हम इसका डो बनाएंगे इसमें पानी डाल तो अच्छी तरह से तेल को मैदे में मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो हम तैयार कर लेंगे तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ज़्यादा पानी एक साथ ना डाल लें थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालकर इसे गूँधते जाएं और जितना आपको ज़रूरत लगे उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते रहें और इसका एक टाइट डो हमें गूंथना है तो अच्छी तरह से गूंथने के बाद हमारा जो समोसे का डो है वो एकदम बनकर रेडी हो जाएगा तो अब हम जो है वो हम जो स्टफिंग है चाउमीन नूडल्स की वो हम बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे इसके लिए आप थोड़ा सा पानी एक बर्तन में उसे बॉईल करने के लिए रख दें थोड़ी देर और जब इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तब हम इसमें जो नूडल के रोल्स हैं राइस नूडल्स के वो हम इसमें डाल लेंगे और इसे ज़्यादा देर पानी में ना रखें लगभग एक मिनट से डेढ़ मिनट तक इसे आप थोड़ा सा स्टर करते रहें और इसे तुरंत ही आप निकाल लें तो ज़्यादा देर अगर आप इसे इस नूडल्स को पानी में रख लेंगे बॉइलिंग वाटर में रख देंगे तो ये एकदम सॉगी हो जाएंगे और एकदम स्क्विशी मशी हो जाएंगे तो इस इन्हें आपको ज़्यादा देर नहीं रखना है बॉइलिंग वाटर में एकदम बॉइलिंग वाटर में आपको नूडल्स को डालना है और तुरंत ही एक मिनट में आपको इसे स्टर करके इसे निकाल लेना है और इन्हें निकालने के बाद आप इनमें थोड़ा सा तेल डाल लें इससे क्या होगा कि जो नूडल्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और एकदम अलग अलग डिस्टिंक्ट रहेंगे तो हमारा जो नूडल्स है वो बॉयल हो गया है अब हम इसकी जो स्टफिंग है वो बनाएंगे तो अब हम स्टफिंग बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे इसके लिए हम एक पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे और उसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ड जिंजर और ग्रीन चिलीज़ और इन्हें थोड़ा सा स्टर करेंगे फिर हम इसमें डालेंगे कैबेज, पत्ता गोभी फिर हम इसमें डालेंगे गाजर के क्यूब्स बीट रूट के क्यूब्स और पनीर के क्यूब्स तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर अच्छी तरह से हमने स्टर करेंगे तो अब तक हमने इसमें कैप्सिकम नहीं डाला है क्योंकि कैप्सिकम को पक पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये जल्दी से पक जाती हैं तो उसे हम बाद में डालेंगे ये सारी जो सब्जियाँ सब्जियाँ हैं जो उन्हें पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इन्हें हमने पहले डाल लिया और थोड़ी देर जब ये एकदम से पक जाएंगी दो तीन मिनट फिर हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे तो इन्हें हमें अच्छी तरह से स्टर करना है तो लगभग दो तीन मिनट चीज़ों को अच्छी तरह से स्टर करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम और फिर से हम इसे अच्छी तरह से स्टर करेंगे तो सभी सब्जियों को हमें अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं और एक एकदम से ये पक जाए तो अब हम इस स्टफिंग में जो सूखे मसाले हैं वो डाल लेंगे सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी फिर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर फिर हम डालेंगे धनिया और ज़ीरा पाउडर और फिर हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार तो सभी सूखे मसाले हमने डाल लिए हैं अब हम मसालों को अच्छी तरह से इन सभी सब्जियों और पनीर में हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इन सब का फ्लेवर इस स्टफिंग में अच्छी तरह से आ जाए और इन्हें हमें फिर से तीन से चार मिनट कुक करना है फिर हम इसमें जो नूडल्स हैं जो हमने बॉईल करके साइड में रखे हैं वो हम इसमें डाल लेंगे और इन्हें एक साथ मिक्स कर लेंगे अब हम इस स्टफिंग में जो सॉस है टमाटो और चिली सॉस वो भी हम इसमें डाल लेंगे तो टमाटो और चिली सॉस डालने से बहुत ही अच्छा एक खट्टा मीठा टेस्ट इस स्टफिंग में आता है और बहुत ही अच्छा लगता है चाउमीन के साथ तो सॉस बहुत ही अच्छा जाता है तो टमाटो और चिली सॉस हमने इसमें डाल दिया अगर आप चाहें तो सोया सॉस भी आप इसमें डाल सकते हैं उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा लेकिन अगर आप सोया सॉस डाल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से डालें क्योंकि उसमें भी नमक होता है तो नमक और सोया सॉस को आपको बैलेंस करके डालना है ताकि वो ज़्यादा सॉल्टी ना हो जाए तो सॉस डालने के बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारी जो स्टफिंग है वो एकदम बनकर रेडी हो गई है अब हम इसमें नूडल्स डाल लेंगे और इन्हें थोड़ी देर हम इसे स्टर कर लेंगे और हमारी स्टफिंग जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी तो हमारी जो सब्जियां हैं जितनी भी सब्जियां हमने इसमें डाली थी जैसे कि पत्ता गोभी गाजर बीटरूट कैप्सिकम वो एकदम सॉफ्ट हो गई हैं और एकदम पक चुके हैं अब हम इसमें जो नूडल्स हैं जो हमने बॉईल करके रखे थे वो हम स्टफ़िंग में डालेंगे और इन नूडल्स को हम अच्छी तरह से इस मसाले में इन सभी सब्जियों के साथ हम इसे टॉस कर लेंगे ताकि इन सभी जो मसाले हमने डाले हैं सॉस जो हमने डाला है उन सभी का फ्लेवर इस नूडल में अच्छी तरह से आ जाए तो ज़्यादा देर नूडल्स डालने के बाद आपको इन्हें पकाना नहीं है बस थोड़ी देर इन नूडल्स को इन सब्जियों में इन मसालों में आपको अच्छी तरह से टॉस कर लेना है और आपको ये गैस पर से उतार लेना है और हमारी जो स्टफिंग है वो एकदम बनकर रेडी हो जाएगी तो बस थोड़ी देर हम इन नूडल्स को अच्छी तरह से इस मसाले में टॉस कर लेंगे और हमारी जो स्टफ़िंग है वो एकदम बनकर रेडी हो जाएगी तो दोस्तों हमारी जो स्टफ़िंग है चाऊमीन की वो एकदम बनकर रेडी हो गई है और तो अब हम इसे गैस पर से उतार लेंगे और इसे साइड पर ठंडा होने के लिए हम रख लेंगे तो अब हम जो चाऊमीन समोसा है उसे बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो समोसे का जो डो है उसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और फिर हमें उसे जैसे हम चपाती या रोटी के लिए जो बेलते हैं हम उसे ठीक उसी तरह से हम उसे एकदम गोल गोल हम उसे बेल लेंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो जितनी चपाती की होती है उस उतना ही थिकनेस आपको रखना है ज़्यादा मोटा ना रखें फिर हम इसे हाफ़ में उसे काट कर उसके कोन्स बनाएंगे इन, इन डो के और फिर हम इसमें स्टफिंग भरकर उसे हम फ्राई करेंगे तो सबसे पहले हमें इसे एकदम फ्लैट बेल लेना है अब हम इसे दोनों हाफ्स में हम इसे काट लेंगे जो हमने फ्लैट बेला है उसको हम चाकू की मदद से उसे दो हाफ्स में इक्वल हाफ्स या दो हाफ्स में हमें इसे काटना है अब हम एक हाफ लेंगे जो हमने काटा था और उसे अपने हाथ की मदद से एक कोन की शेप में हम इसे रोल कर लेंगे तो आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ इसे अपने हाथ की मदद से आप इसे एक कोन की शेप में इसे आपको रोल करना है और जो गैप है उसमें हम जो चाउमीन की स्टफिंग है वह हम इसमें भर लेंगे तो एकदम ऊपर तक आप इसे ना भरें ऊपर में थोड़ी सी जगह आप खाली रखें ताकि आप ऊपर से इसे प्रेस करके आप इसे सील कर सकें तो आप इसमें थोड़ा सा चाउमीन नूडल आप इसमें स्टफ़ कर लें और फिर आप इसे ऊपर की ओर से इसे आप प्रेस करके इसे आप अच्छी तरह से दबा लें और इसे बंद कर लें तो हमारा जो समोसा है वो स्टफ़ हो के रेडी हो गया है इसी तरह से हम सभी समोसे की जो पट्टी है उस सबसे पहले हम उसे रोल आउट कर लेंगे इसे एकदम फ्लैट चपाती की तरह से इसे रोल आउट कर लेंगे फिर हम इसे दो हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे फिर एक हाफ़ लेंगे उसे कोन की मदद से कोन की शेप में उसे आप रोल आउट कर लेंगे उसमें स्टफिंग भरकर हम जो समोसे हैं वो हम रेडी कर लेंगे तो इसी तरह से हम सभी जो पट्टियाँ हैं उन्हें रोल आउट करके उसे कोन की शेप में उन्हें रोल आउट करके उसमें चाउमीन का जो स्टफिंग है वो डालकर हम जो समोसे हैं वो तैयार कर लेंगे तो अब हमें इन जो समोसे हमने स्टफ़ करके रेडी कर लिए हैं उन्हें हमें ऑयल में डीप फ्राई करना है तो इसके लिए हम एक कढ़ाई में तेल ले, ले लेंगे और फिर हम इसमें एक एक करके जो समोसे हमने तैयार किए थे वो हम इसमें डाल लेंगे तो इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सभी साइड से इन्हें हमें फ्राई करना है तो जो ऑयल का टेम्परेचर है वो मीडियम और हाई के बीच में उसे आप चेंज करते रहें और इन्हें हमें मिनट बाय मिनट बेसिस पे हमें इन्हें कंटिन्यूसली पलटते रहना है ताकि ये सभी साइड से गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो इवनली ये पकड़े तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड से कलर आ जाए और दूसरे साइड से वो कच्चा रह जाए तो इन्हें आपको इवनली गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें आपको फ्राई करना है और इन्हें मिनट बाय मिनट बेसिस पे इन्हें आपको पलटते रहना है तो हम वेट करेंगे जब तक कि एकदम क्रिस्प गोल्डन ब्राउन कलर ना पकड़ ले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो समोसे हैं वो धीरे धीरे रंग पकड़ रही हैं उनमें गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है तो हमें इन्हें कंटिन्यूसली पलटते रहना है और इन्हें स्टर करते रहना है थोड़ा थोड़ा ताकि एकदम फ्लोइंग मूवमेंट इसमें रहे और ये इवनली गोल्डन ब्राउन कलर पकड़ें और इस बीच हमें फ्लेम को भी मीडियम और हाई के बीच में हमें उनसे कंटिन्यूसली चेंज करते रहना है तो ऑयल का टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है इसी से ही हमारे जो समोसे हैं वो इवनली कुक होगी सभी साइड से इनमें गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो समोसे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर पकड़ लिया है और सभी साइड से इवनली ये कुक हो गई हैं और एकदम क्रिस्प गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ गया है तो अब हम इन्हें एक एक करके ध्यान से तेल में से बाहर निकाल लेंगे तो हमारे जो चाउमीन समोसे हैं वो एकदम बनकर रेडी हो गए हैं और इन्हें आप गर्मा गर्म सर्व करें किसी भी चटनी के साथ जैसे कि हरी चटनी टमाटो सॉस चिली सॉस मीठी चटनी उसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो इन्हें आपको तेल से बाहर निकाल कर गर्मा गर्म इसे आपको सर्व करना है दोस्तों हमारा जो वेज चाउमीन समोसा है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है तो एकदम क्रिस्प गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ गया है बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये बनी है तो जैसा कि मैंने कहा था आप इसे अपने मनपसंद सॉस या चटनी के साथ इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें और इसे इंजॉय करें तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिश ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल फ्लेवर्स ट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार